हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखेंगे कि पहले भी आप देख चुके हो और हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से सरल स्तंभालेख और रेखालेख का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इस तरह से प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई सांख्यिकी जानकारी के आधार पर सरल स्तंभालेख तैयार कीजिए व निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र राज्य भूमि उपयोग 2010-11। अब देखिए कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो है आपको 6 नंबर के लिए सांख्यिक जो है सरल स्तंभालेख और सरल रेखालेख बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया कि भूमि का उपयोग, अभी ये भूमि के प्रकार है और ये आपका प्रतिशत है। जैसे प्रति भूमि 8.3, चारागाह का कृषि योग्य 7.9, कृषि के लिए अनुपलब्ध 10.2%, वन क्षेत्र 16.9%, फसल के अधीन 56.8%। अब देखिए, जब हम इसकी रचना करने जाएंगे तो हम किस प्रकार से यहाँ पर आलेख पेपर पे इसकी रचना करेंगे। तो ये आपका आलेख पेपर है। सबसे पहला स्टेप आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, एक बार और प्रैक्टिस के लिए हम अच्छे से क्लियर करते हैं कि सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। तो ये जो है हमारा हो गया यहां पर वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये नीचे हमारा हो गया एक्स अक्ष। तो इस तरह से सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको, पहला एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच देने हैं। उसके बाद तुरंत उसका नाम दे देना है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब यहाँ पर हम पैमाना मांगेंगे। पैमाना अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पे 56.8 है, तो पैमाना मानेंगे कि पैमाना देखिए यहाँ पे कॉर्नर में आपको पैमाना लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे पैमाना। और पैमाना हम कौन से अक्ष पर मानते हैं, वाई अक्ष पर। पैमाना वाई अक्ष पर, अब पैमाना वाई अक्ष पर हम क्या मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है बराबर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10% कि 1 सेंटीमीटर मतलब 10%। तो अभी यहाँ पे ध्यान देखिए, अभी 10 माना है तो यहाँ पे जब हम वाई अक्ष पर मानेंगे पैमाना, यहाँ से 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, ये 1 सेंटीमीटर 10, ये आपका 20, ये आपका क्या हो गया 30, ये 40, ये 50 और ये हो गया 60। तो लास्ट हमारा इतना ही है 56.8, तो इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं है, तो 60 तक ही हम यहाँ पर लेंगे। अब देखिए कि किस तरह से हम सरल स्तंभालेख तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है आपको, ये पॉइंट्स में दिए गए, ये जो संख्याएं हैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया। तो 8.3 ध्यान में रखो, जैसे जब 8.5 होता है, जैसे 1.5 ध्यान में रखना, जैसे यहाँ पे आपको आया 1.5 राइट, तो 1.5 अगर है तो हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे, अगला नंबर ले लेंगे 2, मतलब 0.5 से अगर अधिक होता है तो हम अगला नंबर लेंगे, और अगर कम होता है जैसे 1.4 तो हम वही नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे 8.3 है तो हम क्या लेंगे 8, 7.9 है, अब देखो 7.9 है मतलब 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे 8, 10.2 तो यहाँ पे लेंगे 10, 16.9 बराबर, अब 16.9 है तो यहाँ पे अब देखो 0.5 से अधिक हो गया तो हम अगली संख्या ले लेंगे 17, 56.8 मतलब यहाँ पे भी 0.5 से अधिक हो गया तो 56.8, तो अब यहाँ पे 0.8 कैसे दिखाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ले लेंगे 57। तो बनाते समय आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए किस तरह से हम बनाएंगे, सबसे पहला किसका है प्रतिभूमि, प्रतिभूमि का कितना है 8.3, अब 0.3 है मतलब यहाँ पे 0.5 से कम है इसलिए हम लोग यहाँ पर 8 लेंगे। तो ये प्रतिभूमि यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे कि छोटी छोटी हैंडराइटिंग में प्रतिभूमि,
अभी प्रतिभूमि हो गया, प्रतिभूमि का कितना बोला गया 8। अब 8 कहाँ आएगा, ये देखिए अभी ये 10 है, तो ये जो पतली पतली लाइनें हैं वो 1% है, तो यहाँ से हम 5, 6, 7, 8 ये 8 लाइन ले लेंगे, तो ये हो गया मेरा प्रतिभूमि। तो यहाँ पे 8 लाइन पे हम ड्रॉ कर देंगे प्रतिभूमि का, ये रहा आपका 8 लाइन, देख लीजिए ध्यान से 8 लाइन, मतलब ऊपर से 2 लाइन आप छोड़ दोगे, ये हो गया हमारा, ध्यान से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया मेरा प्रतिभूमि, ये हमने बना दिया प्रतिभूमि। अभी ये एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब दूसरा क्या है, चारागाह व कृषि योग्य, तो यहाँ पे लिख देंगे चारागाह व कृषि योग्य। अब चारागाह व कृषि योग्य उसका कितना है, 7.9। अब 7.9 इट मीन्स 0.5 से अधिक गया, तो उसका भी 8 है, 8 है मतलब यहीं पे फिर से हम करेंगे, तो इसी के जितना होगा जितना पहला था, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया चारागाह कृषि योग्य भूमि, तो ये हमारा चारागाह कृषि योग्य भूमि हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा, कृषि के लिए अनुपलब्ध। अब यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे, फिर से ये एक बॉक्स छोड़ देंगे, यहाँ पे लिए हम लिख देंगे कृषि के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो ये हो गया कृषि के लिए अनुपलब्ध। अब कृषि के लिए अनुपलब्ध का यहाँ पे कितना है आपका, 10.2 है, मैंने कहा 0.5 से अगर कम है तो हम क्या करेंगे, पिछली संख्या ही लेंगे, मतलब 10 लेंगे, अगर यहीं पे 10.5 होता तो हम लोग 11 लेते थे, अब यहाँ पे 10 है तो 10 कहाँ पे हमें दिख रहा है, ये रहा हमारा 10, तो यहाँ पे हम कर देंगे 10, तो ये हो गया हमारा 10, और इस तरह से हमने यहाँ पे दर्शा दिया 10 का, तो ये कृषि, ये हो गया कृषि के लिए अनुपलब्ध। अब अगला क्या हमारा है यहाँ पर, वन क्षेत्र, अब अगला वन क्षेत्र, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन क्षेत्र। अब वन क्षेत्र के लिए कितना है यहाँ पर, वन क्षेत्र के लिए 16.9 है, अब 16.9 मतलब 0.5 से अधिक है, तो हम 17 लेंगे, 17 हमारा कहाँ आएगा, ये रहा 15, 16, 17, तो ये हो गया 17, यहाँ पे हमारा 17 आ गया। अब यहाँ पे हम जो है इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 17 को, 15, 16 और ये हो गया 17, तो ये मेरा हो गया 17 का हमने दिखा दिया बहुत ही आसानी से। अब ये वन क्षेत्र हमारा बन गया 17%। अब अगला हमारा है फसल के अधीन, तो यहाँ पे अब फिर से ये एक बॉक्स छोड़ दोगे और यहाँ पे लिख दोगे फसल के अधीन। अब फसल के अधीन कितना दिया गया है, फसल के अधीन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 56.8, फिर से यहाँ पे 0.5 से अगर अधिक आया तो हम नेक्स्ट संख्या लेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट संख्या जब हम लेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 56 का अगला संख्या हो जाएगा 57, लेकिन अगर ये 0.5 से कम होता तो हम 56 लेते, तो यहाँ पर हो गया हमारा 57, तो यहाँ पे 57 का है, ये 50 और प्लस 5, 6, 7 ये काउंट कर लेना है, क्योंकि एक पतली लाइन मतलब 1% के बराबर है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 57, तो ये लाइन हमारी हो गई 57 की। ये 57 हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या दर्शा दिया, फसल के अधीन, तो इस तरह से ये हमारा जो है सरल स्तंभालेख तैयार हो गया, तो बहुत ही आसानी से हम स्तंभालेख तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि पहले एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष, फिर बाद में पैमाना मानना है, पैमाना जैसे यहाँ पर माना गया है कि पैमाना हमेशा ध्यान में रखना है आपको, वाई अक्ष पर मानना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10% जो दिया रहेगा, जिस तरह से यहाँ पे प्रतिशत में दिया था हम प्रतिशत में लिखेंगे, कहीं पर कुछ अलग दिया रहेगा तो हम उस चीज को वहां पर लिखते हैं। अब देखिए ये तो आपने जो है स्तंभालेख तैयार कर दिया,
अब इसी स्तंभालेख के आधार पर आपको 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत भूमि वनों के अंतर्गत है। अभी वन क्षेत्र कहाँ है, आसानी से आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो। वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है यहाँ पर, वन क्षेत्र का 16.9। तो आप जो है, अब आपने 17 दर्शाया तो आप 17% लिख सकते हो कि 17% महाराष्ट्र में 17% भूमि वनों के अंतर्गत है। और अगर क्वेश्चन से देखकर बताना है तो आप 16.9% लिख सकते हो, दोनों आपके राइट हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप जो है प्रश्न से भी देखकर लिख सकते हो। जैसे अब ये प्रश्न आपको दिया गया तो इसी में भी देखकर लिख सकते हो। दूसरा है, महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। कृषि के लिए अनुपलब्ध कितना है, 10.2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आसानी से कि 10.2% भाग जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध है। अगला पूछा जा सकता है, जैसे अगला पूछा गया कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है कि यहाँ पे कृषि योग्य फसल के अधीन कृषि योग्य और चारागाह उसका जो है 7.9 है, इट मीन्स 8% भाग। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप आसानी से उत्तर लिख सकते हो। अब देखते हैं इसी के साथ साथ कि इसी प्रश्न के आधार पर किस तरह से हम जो है रेखा लेख तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, अब देखिए हम रेखा लेख तैयार करेंगे। तो रेखा लेख तैयार करते समय भी हमारा पहला स्टेप यही होता है कि पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रेखा लेख के लिए सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है। पहला काम आपको यही करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको खींचना है। तो यहाँ पर ये आपने क्या किया, वाई अक्ष खींचा, ये जो है आगे आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपने क्या किया, ये वाई अक्ष हो गया और ये हो गया आपका एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। यहाँ पे नाम भी दे दोगे, इसको दे दोगे एक्स और इसको दे दोगे वाई। फिर से पैमाना उसी तरह से हम मानेंगे कि पैमाना वाई अक्ष पर, पैमाना हम किस पर मान रहे हैं, वाई अक्ष पर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से आप उसी तरीके से यहाँ पर भी दर्शाओगे, जैसे ये आपका हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और लास्ट संख्या 60। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे पहले प्रतिभूमि, तो इस तरह से आप लिख सकते हो प्रतिभूमि। इसके बाद क्या है, चारागाह, इस तरह से हम इसको आड़ा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे चारागाह व कृषि योग्य, चारागाह व कृषि योग्य। उसके बाद में लिखेंगे कृषि के लिए अनुपलब्ध, कृषि के लिए अनुपलब्ध। उसके बाद वन क्षेत्र, और वन क्षेत्र के बाद हो गया फसल के अधीन, मतलब फसल के अधीन मतलब कृषि योग्य भूमि। तो यहाँ पर अब जब इसे दिखाने जाओगे तब देखिए कैसे बनाओगे आप रेखा लेख। सबसे पहले क्या दिया गया, प्रतिभूमि, प्रतिभूमि का 8.3 है, इसका मतलब आपको 8 यहाँ पे दर्शाना है। तो ये लाइन से ही, ये जो डार्क लाइन दी है इसी पे आपको 8 पे 5, 6, 7, 8, ये आपका 8 है, यहाँ पर आप बिंदु लगा दोगे। उसके बाद चारागाह व कृषि योग्य, उसका कितना दिया, 7.9 मतलब 8। तो यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, 8 पे इस तरह से बिंदु कर दोगे। उसके बाद अगला है कृषि के लिए अनुपलब्ध, अब कृषि के लिए अनुपलब्ध कितना है, 10.2, इट मीन्स 10। तो यहाँ पे 10 पे आप जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध, यहाँ पे 10 पे आप ऐसे डॉट कर दोगे। इसके बाद अगला वन क्षेत्र,
वन क्षेत्र का यहाँ पे 16.9 दिया है, मतलब 17। अब 17 कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे 17, यहाँ पे आप क्या करोगे 15 और उसके बाद 3, 16, 17, 18, 15, 16, 17, ये दो लाइन आप जाओगे तो ये आपका हो गया वन क्षेत्र। इसके बाद फसल के अधीन, अब फसल के अधीन कितना है 56, 57, 57 इट मीन्स यहाँ पे 57 है, 55, 67 दो लाइन और, तो ये हो गया आपका, ये हमने बिंदु बना दिया। अब इसे हमें क्या करना है, अच्छे से स्केल की सहायता से जोड़ना है, तब जाके ये हमारा रेखालेख तैयार होगा। तो देखिए आप कैसे जोड़ोगे, अभी इसे पहले ध्यान से आपको जोड़ना है, आड़ा टेढ़ा नहीं करना है, जैसे जैसे बिंदु गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ना भी है। अब जैसे ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद फिर कहाँ गया बिंदु, ये रहा, तो इस बिंदु से इस बिंदु को हम जोड़ देंगे, उसके बाद फिर इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देंगे, तो ये जो है हमारा रेखालेख तैयार हो गया, जिसमें हमने कृषि के लिए कितने क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है या किस महाराष्ट्र में किस भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, चाहे वह परती भूमि हो या चरागाह व कृषि योग्य भूमि हो या कृषि के अनुपलब्ध हो, वन क्षेत्र हो, फसल के अधीन हो, उन सभी का हम देखेंगे कि किस तरह से रेखालेख बनाया गया है।